नमस्कार, बरेली से मातृभूमि का स्पेशल एडिशन लेकर हाजिर हूँ मैं शोभना यादव। चलिए सीधे आपको उत्तर प्रदेश के कासगंज लिए चलते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे हैं। आकर के कह दे, देखो हर दिन शाम को 50 रुपया मुझे पहुंचाना पड़ेगा, इस छोटा दुकानदार बेचारा कैसे घर चलाएगा, कैसे जो कर्ज लिया है चुकता करेगा, ये रंगदारी वाले लोग मुनाफे में से हिस्से ही ले जाएं, अगर मुनाफे में से हिस्सा नहीं मिलता है तो पूंजी में से भी हिस्सा उठा के ले जाएं, और अगर वो न दे पाए तो एक दिन आकर के दुकान को ही उठा के ले जाएं। ऐसे लोग जब बैठे हैं तब साफ पर भी प्रगति नहीं होती है, उसको रोकने का काम हमारे योगी जी ने किया है। भाइयों बहनों, सूरज ढलने के बाद आप घर के से निकलने से घबराएं, बहुत जरूरी होने पर ही बाहर जाएं, अपने काम टालें, ये स्थिति ठीक नहीं है। अगर ट्रेन रात को किसी स्टेशन पर पहुंचे और लोग सुबह तक इंतजार करें, प्लेटफॉर्म पर बैठे रहें ताकि सलामत घर पहुंच सके, ये स्थिति उत्तर प्रदेश ने देखी थी। उत्तर प्रदेश को उससे बाहर लाने का काम योगी जी की सरकार ने किया है। भाइयों, यूपी में 5 साल पहले जो इन गौर परिवारवादियों माफियावादियों ने जो माहौल बना दिया था, उसके खिलाफ योगी जी ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी है। भाइयों बहनों, जीवन में सुरक्षा एक छोटी चीज नहीं है। जहां हालत बिगड़े हुए हैं वहां दशकों दशक निकल जाते हैं, कानून राज स्थापित नहीं होता है, बहुत मेहनत पड़ती है। योगी जी ने ऐसी कठिन स्थिति में से उत्तर प्रदेश को बाहर ला करके 5 साल के भीतर भीतर कानून का राज प्रस्थापित करने में सफलता पाई है, बहुत बड़ा बदलाव लाए हैं और आगे भी इसको और पक्का करेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों, योगी जी ने यूपी में सुरक्षा का जो माहौल दिया है उसने समृद्धि का नया द्वार खोल दिया है। समाज का हर वर्ग मेहनत करे, उन्नति करे, इसके लिए जो माहौल जरूरी है वो माहौल योगी जी की सरकार ने दिया है। कासगंज, एटा, फरुखाबाद, हाथरस, फिरोजाबाद, कन्नौज सहित इस पूरे क्षेत्र के लिए भी ये सबसे बड़ा संकट था। इन क्षेत्रों के छोटे लघु कुटीर उद्योग, हमारे व्यापारी उद्यमी साथी भी इन अपराधियों के कारण, माफियाओं के कारण परेशान रहते थे। इसलिए योगी जी की सरकार ने कानून के राज को सबसे बड़ी प्राथमिकता बनाया और उन्होंने करके दिखाया है। गुंडे माफिया को उन्होंने खोज खोज करके जेल भेजा, उन पर कार्रवाई की। कभी कभी लोग पूछते हैं कि योगी जी जुल्म कर रहे हैं, योगी जी जुल्म कर रहे हैं। आप मुझे बताइए भैया, क्या ये माफियाओं को जेल में भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? ये गुंडों को जेल भेजना चाहिए कि महल में भेजना चाहिए? योगी जी ने सही किया कि नहीं किया? सही किया कि नहीं किया? यही करना चाहिए ना, तभी तो सज्जन व्यक्ति जिंदगी जी सकता है। भाई, ईमानदार आदमी जो मेहनत करता है वो तभी जी सकता है। बरेली के लोग भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वर्चुअली वो भी हमारे साथ बात कर रहे हैं। बरेली को तो कैसे बार बार दंगों की आग में झोंका गया, ये भी हमने देखा है। भाइयों, पहले ये हालत थी कि लोग अपने पर्व त्योहार तक शांति से नहीं मना सकते थे, दबंग दंगा और माफिया राज को अब हमें यूपी से हमेशा के लिए बाहर कर देना है। पूरी तरह आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस बार भी इन गौर परिवारवादियों ने ऐसे अपराधी चुनाव के मैदान में उतारे हैं जो आप लोगों से खार खाए बैठे हैं। ऐसे लोगों को वो नेता बना रहे हैं
माफियाओं को, गुंडागिर्दी करने वालों को, ऐसे लोगों को वो नेता बनाने के लिए निकले हैं। इन अपराधियों और गुंडों को हराने के लिए आपको एकजुट होकर भाजपा उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान करो, ये मैं प्रार्थना करने आया हूं भाइयों बहन। ये बदले के मौके की तलाश में है, इनको कभी बदला लेने का मौका मत देना भाइयों। मैं इस क्षेत्र के नौजवानों से जो पहली बार वोट डालने जा रहे हैं, युवाओं से खास तौर पर कहूंगा कि यूपी के बेहतर भविष्य से आपका भी भविष्य जुड़ा हुआ है, बहुत महत्वपूर्ण है भाइयों। आपके पहले लोगों को गांव घर छोड़ के जाना पड़ा, शहरों में जाकर झुग्गी झोपड़ी में जीना पड़ा, अब मैं उत्तर प्रदेश से किसी को जाना पड़े ये स्थिति नहीं चाहता हूं। उत्तर प्रदेश ऐसा बनाना है देश भर के लोगों को उत्तर प्रदेश आने का मन कर जाए, ऐसा उत्तर प्रदेश बना रहा है। भाजपा को दिया आपका एक एक वोट यूपी की तस्वीर बदल देगा। भाइयों और बहनों, खेती और छोटे उद्योग आत्मनिर्भर भारत की सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना के इस संकट काल में डबल इंजन की सरकार ने खेती और छोटे उद्योगों के लिए ईमानदार प्रयास किए हैं। हमने नई नई योजनाएं लाए, कोशिश की है। दुनिया भर में हाहाकार मचाने की वजह से भाइयों बहनों, खाद की ये जो कोरोना के कारण जो सप्लाई चेन सब खत्म हो गई, डिस्टर्ब हो गई, इसके कारण खाद की, कीटनाशकों की सप्लाई भी बहुत प्रभावित हुई, कीमत भी कल्पना ही कर सकते इतनी बढ़ गई, अनेक गुना कीमत बढ़ गई है दुनिया के मार्केट में। लेकिन ये संवेदनशील सरकार है, छोटे किसानों पर बोझ ना है, इसकी चिंता करने वाली सरकार है, इसलिए पूरी दुनिया में इतना बड़ा दाम बढ़ गया, हमको महंगी कीमत से बाहर से चीजें लानी पड़ी। हमने किसानों के लिए चीजें लाए, फर्टिलाइजर लाए, खाद लाए, दवाइयां लाए, और किसान को बोझ नहीं पड़ने दिया। सारा बोझ सरकार ने झेला, किसान को कम पैसों में वो दिया। हमने सब्सिडी बढ़ा दी, हमने हजारों करोड़ की सब्सिडी ज्यादा कर दी। इस बजट में भी 1,00,000 करोड़ रुपया, मेरे छोटे किसान भाइयों बहनों सुनिए, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खाद सब्सिडी के लिए हमने रखा है, ताकि अगर आगे कोई आफत आ जाए तो भी मेरे किसान को कोई मुसीबत ना आ जाए, इसका प्रबंध हमने आज अभी से किया है। छोटे किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि से जो हजारों रुपए इस दौरान मिले हैं, उससे भी उनकी बहुत बड़ी मदद हुई है। छोटे किसान के लिए हर समय जब भी उसको खेती की जरूरत है, तुरंत 2,000 रुपये उसके खाते में जमा हो जाते हैं, और साल में बार बार ये काम होता रहता है। इसी का परिणाम है कि उत्तर प्रदेश के किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया है भाइयों, और सरकार ने भी किसानों से एमएसपी पर। शाम 6 बजे बरेली से डिबेट की डबल डोज देखना बिल्कुल ना भूलें। मेरे और रोमाना के साथ जमीनी मुद्दों की होगी जमीन से पड़ताल लाइव। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज। फौरन लौट रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।